Good morning, student. Student, today I will teach you from English course book, Unit 8, and the unit name is Feelings and Emotions. Students, it is a story about a boy whose name is Ankit, who always become angry, and we will see how his father help him to control his temper. स्टूडेंट्स, ये यूनिट 8 एक स्टोरी है, ठीक है, एक लड़के के बारे में है. उस लड़के का नाम रहता है अंकित और उसको बहुत गुस्सा आता है, ठीक है. हम लोग देखेंगे कि उसके फादर कैसे उसको एक गुस्से को कैसे कंट्रोल करना उसको सिखाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स स्टार्ट. देयर वाज वन ए बॉय नेम्ड अंकित who was always angry about everything. He often argued with his elder sister, fought with his friends, and hit his younger brother. No one liked his behavior. एक समय का बात है स्टूडेंट, एक बच्चे का नाम रहता है अंकित, ठीक है. who was always angry, वो जो हमेशा हर छोटा छोटा चीज पे, ठीक है, हर चीज पे उसको बहुत गुस्सा आता है. He often argued with his elder sister. वो हमेशा क्या करता है, अपनी बड़ी बहन से वो बहस करता है. Fought with his friends, और अपने फ्रेंड से वो क्या करता है, झगड़ा करता है. And hit his younger brother, और अपने वो छोटे भाई को मारता है. और नो वन लाइक हिज बिहेवियर, उसके बिहेवियर को कोई पसंद नहीं करता था, ठीक है. जाहिर सी बात है, अगर कोई भी बच्चा अगर बहुत ही बदतमीज होगा, वो किसी की बात को नहीं सुनेगा, वो सबसे झगड़ा करेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी लोग उसे पसंद नहीं करेंगे. तो ठीक ऐसे ही अंकित तो कोई नहीं पसंद करता था. हिज फादर डिसाइडेड टू टीच हिम ए लेसन. उसके पापा सोचते हैं कि भाई इसको हमको एक सबक सिखाना चाहिए कि कैसे वो अपना गुस्सा वो कंट्रोल करे. वन डे ही टुक अंकित टू द बैकयार्ड. ही गेव हिम ए बैग ऑफ नेल्स. एक दिन क्या करते हैं उसके पापा, बैकयार्ड मतलब घर के पीछे में जो बगान होता है उसको बैकयार्ड बोलते हैं स्टूडेंट. तो उसके पापा क्या करते हैं, अंकित को घर के पीछे वाले बगान में लेकर जाते हैं और उसको ए बैग ऑफ नेल्स, नेल्स का मतलब होता है कील, कांटी, जिसको आप बोलते हो ना कांटी, कील, ठीक है, उसको एक बैग देते हैं पूरा कील से भरा हुआ. ही गेव हिम ए हैमर एंड सम नेल्स. उसके पापा क्या करते हैं, उसको हथौड़ी देते हैं, हैमर मीन्स होता है हथौड़ी, और कुछ कील देते हैं. ही सेड, वो बोलते हैं, एवरी टाइम यू लूज योर टेम्पर, हैमर एंड नेल इनटू द फेंस. उसके पापा कहते हैं कि जब भी तुमको ऐसा लगेगा कि तुमको गुस्सा आ रहा है तो तुम क्या करना, ये कील को हथौड़ी से, ये फेंस, वहाँ पे आपको बाड़ा दिख रहा है ना लकड़ी का जो बना हुआ है, उसमें क्या करना, कांटे को हैमर से मारना. अंकित आस्क्ड, व्हाई डू आई हैव टू डू दिस डैडी. अंकित कहता है कि पापा हम ऐसा क्यों करेंगे, ठीक है, कि हमको गुस्सा आएगा और हमको कांटी क्या करना है, उस बाड़े में ठोकना है, तो ऐसा हम क्यों करेंगे. यू विल सून नो वाई आई आस्क यू टू डू दिस एक्सरसाइज, सेड हिज फादर स्टर्नली. उसके पापा सीरियसली होके कहते हैं कि तुमको बहुत जल्दी ही पता चल जाएगा कि तुमको हम ये एक्सरसाइज करने के लिए क्यों बोल रहे हैं. अंकित बिगेन द एक्सरसाइज. अंकित वो एक्सरसाइज करना वो चालू कर देता है, ठीक है. द फर्स्ट डे ही हैमर्ड 37 नेल्स इनटू द फेंस. पहले दिन में वो क्या करता है, 37 कील, ठीक है, 37 कील को वो बाड़े में, फेंस में वो हैमर करता है, ठीक है, हथौड़ी से ठोक देता है वहाँ पे. इसका मतलब क्या हुआ, उस पहले दिन में उसको 37 टाइम्स गुस्सा आया, ठीक है स्टूडेंट. He was surprised. वो एकदम मतलब सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया. How often he lost his temper. उसको ये देख के आश्चर्य लगा कि वो कितना जल्दी गुस्सा हो जाता है. It was also very tiring to do it so often.
ठीक है, और उसको क्या, और उसको थकावट भी हो रहा है कि भाई उसको गुस्सा आ रहा है, और उसको क्या करना पड़ रहा है, उसको कील को ठोकना पड़ रहा है। तो भाई ये थकावट वाला भी काम है, ठीक है, उसको इतना इतने बार गुस्सा आ रहा है कि उसको उतने बार कील को ठोकना पड़ रहा है फेंस में। इट वॉज इजियर टू होल्ड हिज टेम्पर देन टू हैमर दोज नेल्स इनटू द फेंस। अंकित को ज़्यादा इजी ये लगा कि भाई हम अपना गुस्सा को कंट्रोल कर लेते हैं, ये ज़्यादा इजी है कील ठोकने के बजाय, ठीक है, कील ठोकने के बजाय उसको लगा कि भाई अपना हम गुस्सा कंट्रोल कर लेंगे तो हमको कील नहीं ठोकना पड़ेगा, तो ये ज़्यादा इजी है। ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है, और कुछ सप्ताह में अंकित रियलाइज्ड दैट हिज फादर वांटेड हिम टू लर्न टू कंट्रोल हिज एंगर। ठीक है, कुछ वीक में, कुछ सप्ताह में अंकित को ऐसा लगता है कि उसके पापा उसको जो ये जो काम करवा रहे थे, वो उसको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए वो ये काम करवा रहे थे, ठीक है, कैसे गुस्से को कंट्रोल करें ये सिखाने के लिए पापा उसको ऐसा बोल रहे थे। डेट इज वाई ही आस्क्ड हिम टू हैमर द नेल्स। पापा उसको गुस्से को कंट्रोल करने के लिए ही उसको बोले हैं कि भाई तुमको हैमर से वो नेल्स को, वो कील को ठोकना है, ये उसको अंकित को रियलाइज होता है। ओके स्टूडेंट, देन ए डे केम व्हेन ही डिड नॉट हैमर ए सिंगल नेल्स इन द फेंस। ठीक है, एक दिन ऐसा भी आया कि जो अंकित जो था, ठीक है, वो उस फेंस में एक भी कील को नहीं ठोका। ठीक है स्टूडेंट, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अंकित को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया, एक दिन ऐसा भी आ गया। He had finally learned to keep his temper in check. He was extremely happy. ठीक है, अब अंकित को वो अब ये जान गया था कि अब उसको गुस्सा आएगा तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। ओके स्टूडेंट, अब वो बहुत ही खुश था कि भाई उसको अब गुस्सा नहीं आता है। He went to his father and told him about it. वो अपने पापा के पास जाता है और ये बात बताता है। His father said, अंकित, now you have to pull out one nail for each day when you do not get angry at all. तब उसके पापा कहते हैं, ठीक है अंकित, अगर तुमको गुस्सा नहीं आता है तो अब तुमको क्या काम करना है कि जिस दिन तुमको एक बार भी गुस्सा नहीं आएगा, उस दिन तुम्हें क्या करना है, उस फेन से, उस बाड़े से एक कील को निकाल देना है। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि हमको आज गुस्सा नहीं आया, तो ऐसे करके सारा वो बाड़े से सारा कील निकल जाएगा। अंकित वाज कंफ्यूज्ड। अब अंकित क्या होता है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई पापा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, एक बार बोले कि भाई आपको जब गुस्सा आता है कील को ठोको, अब दूसरी बार जब मेरा गुस्सा अब आपको बिल्कुल नहीं आता है, तब पापा कह रहे हैं कि भाई जब तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा तो कील को निकाल लेना है, तो वो कंफ्यूज रहता है। बट ही फॉलोड हिज फादर इंस्ट्रक्शन, लेकिन फिर भी वो पापा जैसा कहते हैं वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। द डेज पास्ड एंड अंकित वाज फाइनली एबल टू टेक द लास्ट नेल आउट ऑफ द फेंस। ठीक है, दिन बीतते गया और एक दिन ऐसा आया कि ठीक है, जो अंकित क्या करता है, उस बाड़े में से आखिरी जो कील होता है उसको निकाल, वो निकाल देता है। ठीक है, यानी अब उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। He ran to his father and told him, वो अपने पापा के पास जाता है और जाके बताता है। He had taken all the nails out of the fence. वो जाके बताता है कि हम उस बाड़े में से, फेंस में से सारा कील को निकाल दिए हैं। He was excited, but his father did not seem happy. वो बहुत खुश होता है कि भाई अब उसको बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, ठीक है, लेकिन उसके पापा जो हैं वो खुश नहीं दिखते हैं। ठीक है, He said, वो कहते हैं, उसके पापा कहते हैं अंकित से, Son, the fence is scared and will never be the same again. उसके पापा कहते हैं क्या बोलते हैं कि जो फेंस है उसमें बहुत सारा मार्क, स्केर्ड मीन्स होता है मार्क, ठीक है, मतलब दाग लग जाना। ठीक है, तो उसके पापा कहते हैं कि भाई इसमें तो बहुत सारा दाग लग गया, ये तो कभी नहीं होगा अच्छा, ये तो दिखेगा ही ऐसे ही। अंकित लुक्ड एट द फेंस, अंकित जब देखता है उस बाड़े में, इट वॉज फुल ऑफ मार्क एंड लुक्ड क्वाइट अगली। भाई वहाँ पे वो जब वो देखता है तो उसको भी दिखता है कि हाँ भाई वो बाड़ा क्या है भाई, वो बहुत ही गंदा दिख रहा है क्योंकि उसमें पूरा कील का मार्क है।
ही लुक डाउन फीलिंग गिल्टी, उसको बहुत बुरा लगता है और वो नीचे देखने लगता है, ठीक है। डैडी टुक होल्ड ऑफ हिज हैंड एंड सेट इन फ्रंट ऑफ हिम, पापा क्या करते हैं उसके हाथ को पकड़ लेते हैं और उसके सामने बैठ जाते हैं। ही सेड, वो बोलते हैं, आवर वर्ड्स एंड एक्शन इन एंगर आर लाइक हैमरिंग नेल्स ऑन द फेंस, वो कहते हैं कि जब हमको जो गुस्सा आता है, गुस्सा में हम जो काम करते हैं, ठीक है, वो ठीक वैसा ही है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हथौड़ी से जो कील को ठोक रहे हैं फेंस में, ये सेम वैसा ही है। When you say things in anger, they leave scars, just like the marks left by the nails. उसके पापा कहते हैं कि तुम गुस्सा में किसी को कोई भी चीज़ बोलते हो, ठीक है, तो सेम वैसा ही होता है जैसा बाड़ा में निशान लग गया। इट मीन्स कि तुम तो गुस्सा में बोल के निकल गए, लेकिन जो सामने वाला जो इंसान है ना, उसको हमेशा ये चीज़ याद रहता है कि भाई आप गुस्से में उसको ये बात बोले हो, ठीक है। पापा यही समझाते हैं उसको कि तुम तो गुस्सा में वो काम कर दिए, लेकिन सामने वाला जो इंसान है उसको हमेशा ये बात बुरा लगता है कि भाई ऐसा काम हुआ है। दिस स्कार्स स्टे इवन इफ यू से सॉरी ए नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, और ये जो स्कार है, ये जो घाव है, ठीक है, जो ये याद है, ये हमेशा याद रहता है। तुम कितने भी बार सॉरी क्यों ना बोल दो, लेकिन सामने वाले को हमेशा याद रहता है कि तुम उसके साथ गलत बिहेव किए हो। अंकित रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, अंकित को अब रियलाइज होता है कि हाँ भाई कि उसका क्या गलती था, ठीक है, वो गुस्सा में बहुत सारा चीज कर देता था। ही प्रोमिस्ड नेवर टू गेट एंग्री ऑन एवरी स्मॉल इशू, वो अपने पापा को प्रोमिस करता है कि अब से वो कभी गुस्सा नहीं होगा, कोई भी छोटी छोटी बात पे कभी गुस्सा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, सेम ऐसे ही स्टोरी में जो है, ठीक है, आपको भी बिल्कुल जैसे अंकित चेंज हो गया है, ठीक है, वो गुस्सा नहीं करता है, आपको भी घर में कोई भी छोटी छोटी चीज़ पे गुस्सा नहीं होना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।